तो हम तो अपने इन कामों को लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। अभी कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। हम जा रहे हैं गर्व के साथ जनता के बीच में जन समर्थन मांगने, और जो वातावरण पूरे प्रदेश में है पन्ना जिले सहित, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर दरारें पड़ रही है, इससे कितना फायदा? दरारें नहीं पड़ रही है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। यहां तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पे चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, बड़ा शोर सुना था इंडी गठबंधन, आज कहीं दिखाई दे रहा है। अब तो जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जिनने कभी देश का अहित किया था, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए थे, वो अब सारे बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। दिग्विजय सिंह का कहना है ईवीएम में वीपी पैड में छेड़खानी की संभावना है दिग्विजय सिंह, वो तो हार के कारण अभी से ढूंढने लगे। राजा बहुत समझदार है मामा जी, पन्ना में अपार दिग्विजय जी, दिग्विजय जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो अभी से वो मशीन पे दोष मार के और छुट्टी पाओ। मामा जी पन्ना में टिकटें बदलनी पड़ गई कांग्रेस को, क्या पूरा कर पाएंगी जनता का वादा, वो टिकट नहीं बांट पाए सही तरीके से? पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस, अब टिकट बदल कांग्रेस।